ये आइए इधर, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा तरह और आगे आइए, आइए और आगे आइए। ये देखिए पूरी की पूरी आप देखेंगे ट्रॉली भरी हुई है, पीछे भरे हुए लोग हैं, 10-12-15 लोग आपको यहाँ पर लगातार नजर आ रहे होंगे। रोकिए गाड़ी, रोकिए गाड़ी। लखनऊ से आने को डर नहीं लगता? हाँ, इतनी माता की कृपा है लोगों पे कि डर लगते नहीं है। लखीमपुर में माता की कृपा नहीं थी? नहीं, वहाँ नहीं थी। लखनऊ में देखो और इंसिडेंट है तो वहाँ माता जी की कृपा नहीं थी, तभी तो नहीं हुआ। आज कृपा है यहाँ? आज नहीं, यहाँ आजकल से नहीं, तो यहाँ भी उस दिन भी अरे अभी हुई उस दिन। कहाँ? अभी यहाँ 2-4 दिन पहले ट्रक पलटा है जो तालाब में गिरा है। अरे तालाब ट्रक अपने आप दशा पी के पलटेगा तो क्या मतलब? नवरात्र का मौका, अष्टमी का शुभ दिन और हमारी मौजूदगी इस वक्त चंद्रिका देवी मंदिर के उस द्वार पर है जहां से गाड़ियां भक्तों की जाती हैं अंदर की तरफ, यानी कि मंदिर की तरफ। जो मुख्य द्वार मंदिर का है वो इसके ठीक अंदर है और यहीं पर गाड़ियां जो हैं वो रुकती हैं और यहीं से जो श्रद्धालु हैं वो उतरते हैं और यहाँ उनकी चेकिंग होती है। यहाँ पर वो पार्किंग शुल्क देती हैं गाड़ी और यहाँ पर टिकट लेते हैं। यहाँ से टिकट लेने के बाद वो श्रद्धालु जो हैं वो एक एक करके अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। अब ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है आप पीछे की तरफ ये देखिए, तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको श्रद्धालु भी यहाँ पर कई सारे आए हैं, और ये शुल्क लगा हुआ है। भारी वाहन का 50 रुपये, ऑटो रिक्शे का 20 रुपये, साइकिल का 5 रुपये, मोटरसाइकिल का 10 रुपये। एक तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, पीछे घूमिए जरा, वो देखिए सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली आपको नजर आ रही होगी। आज आपको उसमें जरूर ईंटें भरे नजर आ रहे हैं, पर इस तरह के ही ट्रैक्टर ट्रॉलीज खतरे को न्यूनता देते हैं। यानी कि आपको अगर लखनऊ का घटना याद हो, लखीमपुर की घटना याद हो जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई, वो श्रद्धालु इसी तरह की ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर आ रहे थे। आज इनमें ईंटें हैं, उस दिन इसी ट्रॉली में गांव के वो श्रद्धालु और लोग सवार थे। अभी देखिए यहाँ पर चेकिंग का अभियान चल रहा है, जो टिकट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको टिकट्स दिए जा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो कई तरह के सामान भी लगे। आइए हमारे साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं और इधर आपको दिखाते हैं कि तस्वीरें, यहाँ से वो वाहन लौट के आ रहे हैं जो पूजा वगैरह कर चुके हैं और देखिए लोग भी उसमें आपको नजर आएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए आप, अभी देखिए हम आपका सीधे दिखाते हैं कि जो एक एडवाइजरी जारी हुई है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, सीएम ने भी निर्देश दिया कि चालान कटेगा। आइए इनसे हम पहले बात ही कर लेते हैं, इनको रोक के थोड़ा सा आगे आएंगे ये। और आप देखिए यहाँ पर भरे हुई छोटा हाथी का, एक मिनट रुकिएगा भाई साहब, ये कितने लोग हैं आपके छोटा हाथी सर? वही होंगे, कितने लोग हैं? 10-12 लोग। तो एडवाइजरी जारी हुई है ना, मना हुआ है अब तो? हमको सर नहीं पता। आपको नहीं पता है? थोड़ा आगे ले लीजिए, जरा आइए थोड़ा आगे आइए। ये देखिए पीछे की तस्वीर आपको देखिए, हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से आपको। एक मिनट जरा रोकिएगा, ये आइए इधर, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा और आगे आइए, आइए और आगे आइए। ये देखिए पूरी की पूरी आप देखेंगे ट्रॉली भरी हुई है, पीछे भरे हुए लोग हैं, 10-12-15 लोग आपको यहाँ पर लगातार नजर आ रहे होंगे। रोकिए गाड़ी, रुकिए गाड़ी, किनारे लगाइए। यहाँ रुकिए, इधर रुकिए, ट्रैफिक डिस्टर्ब उठ रहा है। देखिए यहाँ पर किनारे रुकिए जरा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आगे आने के लिए। और अब आपको मैं दिखाऊंगा कि ये, आप बताइए आप जरा मुझे, एक बार आप जरा नीचे आ जाएंगे प्लीज, आप ऐसे बताइए मुझे, ये इतने लोग जो हैं ये क्या बोल कर आए हैं? इनसे बात कर, आप उतरिए एक मिनट जरा नीचे, आइए आइए बाहर आइए, एक मिनट गाड़ी रुक के आइए बाहर, आइए आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए, आराम से आइए, आइए पीछे आइए, आइए। ये देखिए आप नजारा है यहाँ पे, कितने लोग भरे, क्या बोलकर बैठा ला इन लोगों को, कितने पैसे ले रहे हैं पर पर्सन से? सर मुंडन कराने आए। मुंडन करें जी? हाँ मुंडन। तो माता जी जो घटना हुई है लखीमपुर में, 26 लोगों की मौत हो गई है, गांव से वो लोग भी थे, तो आप लोगों को डर नहीं लगता इस तरह की ट्रॉली में और छोटे हाथी में? अरे ना ही भैया, लखनऊ से आए, कोई डर क्या मतलब, लखनऊ से आने वालों को डर नहीं लगता? अच्छा, लखनऊ से आने वालों को डर नहीं लगता? हाँ, इतनी माता की कृपा है लोगों पे कि डर लगते नहीं है। लखीमपुर में माता की कृपा नहीं थी? नहीं, वहाँ नहीं थी। लखनऊ में देखो और इंसिडेंट तो वहाँ माता जी की कृपा नहीं? नहीं थी, तभी तो नहीं हुआ। आज कृपा है यहाँ? आज नहीं, यहाँ आजकल से नहीं, तो यहाँ भी उस दिन भी अरे अभी हुई उस दिन। कहाँ? अभी यहाँ 2-4 दिन पहले ट्रक पलटा है जो तालाब में गिरा है। अरे तालाब ट्रक अपने आप नशा पी के पलटेगा तो क्या मतलब, कोई यात्री थोड़े तो उसमें, कोई यात्री नहीं, दर्शनार्थी थोड़े। एक बात बताइए आप मुझे, जो यूपी सरकार है, डीजीपी है, उन्होंने आदेश जारी किया है, बहुत सही आदेश जारी किया, तो आप लोग तो यहाँ पे साफ उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अब अभी उल्लंघन कर रहे हैं, अभी लागू होगा, बाद पेपर में आया। कल से लागू हो गया है, कल से चेकिंग चल रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए हुआ अभी।
कोई नहीं जाने पाया तो सब लोग मुंडन कराने चले आए। माता जी के दर्शन करने नहीं, दर्शन करिए, हम लोग भी दर्शन करके अंदर से आ रहे हैं। सीएम ने कहा है कि ट्रॉली पर या छोटे हाथी पर इस तरह से सवार होकर कोई नहीं जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ का। भैया अपना कोई हम लोगों को पता तो नहीं रहा, पता नहीं रहा भैया, इसलिए चले आए साधन रास्ते लोग बैठे माने हुए रहे हैं, इसलिए मुंडन कराने। आप लोग को लखीमपुर की घटना के बारे में पता था? ना भैया, आप लोग को पता नहीं था 26 लोग ना, और लखनऊ में जो यहाँ पर हुआ उसके बारे में आप लोग को नहीं पता? नहीं भैया, हम लोगों को नहीं पता। हम लोगों को नहीं पता ना, नहीं पता चला। आप लोगों को लगता है जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? हाँ भाई, एकदम सही कर रहे हैं। हम लोग नहीं जानते थे भैया, सब लोग घर के हैं, सब लोग अपने घर का है, अपनी सवारी घर की भी है। तो आप लोग पूरी इसमें भरे हुए हैं, उसमें आपको लगता है सही कर रहे हैं? हाँ हाँ, सही कर रहे हैं भैया, सही हुआ चाहे गलत हो। गलत तो है भैया, मजबूरी है। मजबूरी क्यों है, मतलब कोई साधन नहीं मिलता आप लोगों को? साधन नहीं, अब भैया मुंडन कराना था तो यहाँ आए जरूरी। सस्ता साधन है इसलिए लोग इसका प्रयोग जरूर करेंगे। सस्ता साधन कितना रुपया लगता है? कितना कुछ करें, कुछ डीजल डलवा दिया, चले जाए घर की गाड़ी। डीजल कितना का पड़ा हुआ होगा लगभग? ज्यादा ज्यादा हमको लगता है 200 रुपए, 500 रुपए बस। कहाँ लखनऊ से आओ? हाँ, तो 300 रुपए डीजल आ गए, चले जाएंगे। 300 रुपए में चलो कहाँ जा पाएंगे? योगी जी कुछ भी कहे, योगी जी कुछ भी कहे, योगी जी अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। योगी जी ने तो कहा है कि मत चलिए, उनका योगी जी का हमें बनाए हैं, जाने के लिए अपना साधन है। आप लोगों ने बना दिया तो अब सुनेंगे नहीं उनकी? सुनेंगे, सुनेंगे जो अच्छी चीज हो सुनेंगे, अब ये मजबूरी है। माता जी एक दिन है वो भी लखीमपुर वाले भी जा रहे थे। अरे तो भैया, अच्छा ये बताइए डीजल के कितने का पड़ा होगा इसमें लगभग? डीजल 300 रुपए, 300 रुपए का। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, देखिए तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं। एक मिनट आ रहा हूँ के पास ही, पहले छोटे छोटे बच्चों को देखिए, तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं। कई बच्चों की भी कल लखीमपुर वाले का केस में मौत हुई है, और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर किस तरह से उनकी जिंदगी भी खतरे में डाली जा रही है। ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? योगी जी के लिए ये हम लोगों का उससे निवेदन है कि जो ये त्रासनाथी आते हैं इनके लिए नवरात भर कम से कम, वैसे तो रोज बस चला दें या दो बसें चला दें तो ये लोग इस पर बैठेंगे नहीं। मतलब 16 दिन जो साल के होते हैं नवरात्र के, उसमें आप चाहते हैं सरकार एक बस चला दे? एक नहीं, दो तीन बसें चला हुआ, एक कम से कम। फिर आप लोग इस पर नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। और ये मजबूरी आप सुरक्षित है और क्या, ये धूप खा रहे हैं, कैसे मजबूरी न हो, धूप खाएगा कोई? हमको आप बैठा दीजिए, चल बैठेंगे इसमें। ऐसे एक साथ आने कोई साधन नहीं मिलता आप लोग? कौन साधन मिले, जो साधन में तो तुम लोग वह कर रहे हो, जो साधन घर में है वही तो साधन से आए हैं। कोई सवारी तो है नहीं, कोई किराए तो है नहीं। अगर ही माता जी कहीं भी जा पाई उतर लिया तो कहीं भी जा अपने घर का, और अपने अपने घर की साधन है तो अपने घर की साधन तो जा रहे हैं। पैसा लिया आप लोगों से बैठाने? नहीं नहीं ना, अपने घर की सवारी भैया। तो देखिए आप तस्वीरें, यहाँ पे ड्राइवर साहब कहाँ गए? ड्राइवर साहब भाग गए क्या? अरे आइए बाहर जाके, जरा आइए, कैमरामैन से कहूंगा मैं आगे आए, ड्राइवर से खड़े तो हैं यहाँ पे, कहाँ भागे? अरे बाबा इधर आइए जरा, पेट्रोल कितने का पड़ा होगा इसमें? पूरा पूरी ये भरी है आपने, कौन से गांव से ला रहे हैं? रायपुर। रायपुर, रायपुर कितना दूर है यहाँ से? रायपुर गुसाईगंज के, गुसाईगंज से। आपने अखबार पढ़ा था आज का? आपको पता है कि क्या आया है ऑर्डर ऊपर से कि जुर्माना 10,000 का लगेगा? पुलिस ने पैसे तो नहीं दिया रास्ते में? गाड़ी रोकी नहीं किसी पुलिस ने? सुबह आए, सुबह आए थे। तो अभी लगता है अगर रोकेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? सर हमको पता ही नहीं, नहीं हम आते ही नहीं, बता देंगे पता नहीं था। और क्या? बहुत कॉन्फिडेंट है आप? हाँ, और क्या बचना है तो कैसे बचना है। क्या नाम है आपका? केपी सिंह। उसी गांव से हैं? पूर्व प्रधान है यहाँ के। अच्छा, पूर्व प्रधान है आप? हाँ, कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं। एक मंदिर हमारा छोटा सा खाटू श्याम है, देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह की तमाम गाड़ियाँ आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले कहाँ रोक रहे हैं? पुलिस वाले रोकेंगे तो क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले रोकेंगे तो ये लोग अपना धन्यवाद निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? धन्यवाद निकल जाएंगे। अच्छा, मतलब पुलिस को चकमा देकर निकल जाएंगे? और क्या, तो देख सकते हैं आप, तो देख सकते हैं आप भी पुलिस को चकमा देकर निकल जाएंगे। तस्वीरें आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो आप समझेंगे कि क्या हालत है और किस तरह की व्यवस्था है। ऑर्डर्स होते हैं उसके बाद भी पालन यहाँ नहीं होता। कैमरा मैन श्रीवास्तव, लखनऊ।